यूट्यूब पे छिड़ने वाला है घमासान, आ गया है एजाज खान मचाने कोहराम। चलिए बात करते हैं आखिर ये माजरा है क्या। तो आप लोग को पता ही है कि एजाज खान एक ऐसा नाम जिसको हमेशा से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में काफी मजा आता है, चाहे वो एक्टरों के साथ हो चाहे वो बड़े बड़े क्रिएटर के साथ हो। आपको पता ही है कि जब कैरी मिनाटी ने उनका रोस्ट किया था तो ऐवे वो मॉल में एजाज खान को दिख गए और वहां पे वो अपने पर किए गए रोस्ट के बदले उन्होंने कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाया। उसके बाद तो भाई उन्होंने कहा कि देखा यार मैंने सॉरी बुलवाया ना, कहीं ना कहीं वो वीडियो उन्होंने साझा भी किया और अपने आप को वो दिखाना भी चाह रहे थे, वो कितने बड़े कह सकते हो कि एक लोग ऐसा बोल रहे हैं गुंडा टाइप के वो दिखा रहे थे कि भाई मेरे पे वीडियो मत बनाना। अब हाल फिलहाल में एक और बड़े यूट्यूबर ने जिनका नाम है हर्ष बेनीवाल, उसी चीज को वो अपने वीडियो में एक ऐप के द्वारा वीडियो को अपलोड किया। वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब पे तहलका मच गया, जिसमें हर्ष बेनीवाल के द्वारा ये दिखाया गया था कि किस तरह से वो कैरी मिनाटी को मिलते हैं, उनसे सॉरी बोलवाते हैं और कुछ ऐसा चीज उसमें बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद क्या था, एजाज खान तो भाई वैसे भी चुप बैठते नहीं है, इसके बाद उन्होंने मटिया मेट कर डाली और ऐसे ऐसे शब्द हर्ष बेनीवाल के बारे में कहा गया जो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं बोल नहीं सकता हूं अपनी वीडियो में, हो सकता है कि कुछ स्ट्राइक वगैरह भी आ जाए, लेकिन आप लोगों ने जरूर वो वीडियो देखा होगा। एक शब्द का एक जो सीमा होता है ना, सीमा का भी सीमा उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद जो यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे कोहराम सा मच गया है। कोई ये कह रहे हैं कि एजाज खान को जेल भेजो, कोई ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, कोई ये भी कह रहे हैं कि हर्ष बेनीवाल को पहले ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब गलती कहां से हुई, देखो पता है ना कि एक थुंसी होती है, अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक बड़ा नासूर घाव बन जाता है। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना वो घाव बन चुका है, जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिजल्ट देके ही वो बंद होने वाला है। और एजाज खान को तो सभी लोग जानते हैं कि वो बंदा ऐसे चुप होता नहीं है, उसके मन में जो भी आता है वो बोल देता है, चाहे वो सलमान खान के साथ मैटर हो या एक समय कपिल शर्मा के साथ भी मैटर हुआ था, मतलब मैटर होते ही रहता है। एजाज खान नाम ही है एक ऐसा बंदा जिसको मजा आता है कुछ न कुछ अलग तरीके से गाली गलौज गुंडागर्दी कि वो गुंडईपन पे उतर आए हैं, बोलने का तरीका ठीक नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के बीच झगड़ा होता है तो दो व्यक्ति के बीच होना चाहिए, किसी के परिवार पे जा करके गाली गलौज करना ये कहीं से भी सही नहीं है। और मुझे लगता है एजाज खान ने जो वीडियो पे गाली गलौज किया है, अगर उन्होंने उस वीडियो को खुद भी देखा होगा ना तो उनको शर्म जरूर आया होगा, क्योंकि भाई मैं क्या बताऊं, मैंने अभी बोला ना कि ऐसी भद्दी भद्दी शब्द का प्रयोग किया गया है उनके द्वारा जो भाई कतई आप सुनना नहीं चाहोगे। और स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, अब जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े वो सभी एक साथ हो रहे हैं और आई थिंक आज न कल हो तो मेरे ख्याल से शायद केस भी दर्ज किया जा सकता है। अब आप लोग बताओ कि ये जो सारा माजरा हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, ये चीज जो घटना घटी है, आखिर गलती किसकी है, आप लोगों ने तो जरूर देखा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी आप लोग के उस विचार को जान सकूं और उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे लगा कि इस मैटर पे कुछ न कुछ अपनी राय रखनी चाहिए, तो मैंने रख दिया। और कहीं ना कहीं यार बुरा लगता है ये सब टाइप की वीडियो मैं जब भी देखता हूँ ना तो बुरा लगता है, क्योंकि एक होता है कंटेंट जो हेल्दी कंटेंट होता है, किसी को हक नहीं है किसी के बारे में
गंदी राय रखना। और मैं तो ये कहता हूँ ना कि किसी के बारे में बोलो लेकिन एक लाइन के अंदर रह करके, ताकि आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसको बुरा ना लगे। अगर उसको बुरा लगता है तो या तो उससे पहले पूछ लो कि भैया मैं ये आपके बारे में बोलने वाला हूँ, आपको रोस्ट करूँगा, इसमें कुछ आपको कोई तकलीफ होगा तो भाई बता दो, मैं उसको एडिट कर दूंगा या मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो मेरा मानना है कि ये ठीक रहेगा, किसी को हर्ट किए बिना लोग अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम कर सकेंगे। और देखो ये जो है, ये जो नई कोहराम, ये जो अभी कोहराम मचा हुआ है, आखिर कहाँ तक जा कर के थमती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो बस आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करते हैं आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करोगे कि क्या क्या हो रहा है अभी, और फिर आते हैं, कुछ ऐसा होगा तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।